वेलकम टू दी चैनल एवरीवन। और आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को बैगन की एक रेसिपी। जो लोग बैगन नहीं खाते या सिर्फ उसका सब्ज़ी खाए हैं, वो एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। बिल्कुल अलग सी रेसिपी है ये और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो आज का वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है ये बैगन। इसको मैंने गोल गोल टुकड़ों में ऐसे काट लिया और अच्छे से धो लिया है। उसके बाद मैं इसे मैरिनेट करूँगी। तो नमक मैंने डाला स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर और मिर्चा पाउडर, इनके साथ ही मैं इसे मैरिनेट कर लूँगी और इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से रख दूँगी ताकि अच्छे से इसमें मसाला कोट हो जाए। फिर इसका एक मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने लिया पैन में ऑयल और ये मैंने चॉप्ड अनियन, ग्रीन चिली, टोमेटो काट लिया है। तो सबसे पहले ऑयल गर्म हो जाएगा तो ग्रीन चिली डालेंगे, फिर डालेंगे चॉप्ड अनियन। अनियन को भी अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे चॉप्ड टोमेटो। टोमेटो को डालने के बाद ही थोड़ा सा मिला देंगे, फिर डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और धनिया पाउडर। इसमें ग्रीन चिली भी है तो रेड चिली आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। उसके बाद हम लोग पैन चढ़ाएंगे और फिर हम लोग उसमें तेल डालेंगे। तो मैंने 1 से 2 टेबलस्पून तेल डाला है ताकि हम लोग बैंगन को इसमें फ्राई करेंगे जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था। तो 4-5 बैंगन को एक साथ डाल दें। और फिर इसे दोनों तरफ से फ्लिप करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लें। इस पर अच्छे से कोट हो जाए, लेयर आ जाए सेकने का। तो देखिए ये अच्छे से सेक चुका है। मैंने इसे दोनों तरफ से पलट पलट के सेक लिया है। तो ये हो चुका है और उसके लिए मैंने लिया है दही। तो दही मैंने लिया है इसमें 1/2 कप। मैं डाल रही हूँ सॉल्ट और शुगर और इसे अच्छी तरीके से फेंट लूँगी दही को। तो चलिए अब इसका लेयर बनाते हैं। तो मैंने लिया है एक ऐसे गहरी पैन वाला बोल, उसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ बैंगन, फिर ये फेटी हुई दही, उसके बाद से मैं इसमें डाल रही हूँ ऊपर से वो मसाले जो हमने प्याज टमाटर के मसाले बनाए थे। फिर उसके बाद वापस से फिर से एक बैंगन का लेयर लगाएंगे, फिर से मसाले का लेयर लगाएंगे और उसके बाद लास्ट में जो बची हुई दही है उसको चारों तरफ से ऐसे डाल देंगे। तो इसका मैंने 2 लेयर तैयार किया है और बीच में मैंने एक गार्निशिंग के लिए एक बैंगन लगा दिया है। फिर हम लोग लगाएंगे इसमें तड़का। तो मैंने लिया ऑयल, हींग, इसमें मैंने लिया है जीरा, मस्टर्ड सीड्स, राई और करी पत्ता। इसको अच्छे से पॉप अप होने देंगे थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक, फिर ये तड़का इसमें डाल देंगे ऊपर से चारों तरफ से हिलाते हुए। बस ये रहा हमारा दही बैगन बनकर तैयार है। देखिए कितना इजी और कितना यमी रेसिपी है ना। तो ट्राई ज़रूर करिएगा घर में एक बार। और अच्छा लग जाए आज का मेरा ये वीडियो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही जल्द मैं मिलूँगी अपने एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।